और आपको बता दें कि शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें 3 नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और लगातार अपडेट भी आईबीसी 24 पर हम आपको देते रहेंगे। और राजेंद्र शुक्ला से बातचीत की हमारी संवाददाता हरप्रीत ने, क्या कुछ सुनने का, आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र शुक्ल जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर आपको बधाई, आज मंत्री पद की शपथ लेने आप जा रहे हैं, कुछ देर बाद ही कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होने वाला है। 3 दिन से संशय की स्थिति लगातार बनी हुई थी और कल शाम साफ हो गई स्थिति। नहीं, ऐसी कोई संशय की स्थिति नहीं थी, पार्टी अपने समय पे और निर्णय करती है और फिर कार्यक्रम हो जाता है। सर विंध्य का एक बड़ा चेहरा आप माना जाते हैं, एक अहम चेहरा आप माना जाते हैं, आपको लगता है कि जो मौका अब आपको मंत्री पद का, हालांकि इससे पहले भी आप मंत्री रह चुके, अब एक बार फिर मौका मिला और इसका फायदा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिलेगा? देखिए, विंध्य क्षेत्र पिछले 15 वर्षों के 20 वर्षों के सुशासन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। वहाँ के लोगों ने, जिनके अंदर एक बड़ी तड़प थी विकास की, जो पहले की सरकारों ने पूरी नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से विकास की गंगा बहाई है, अपनी आंखों से लोगों ने विकास को देख लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ आएगी? बिल्कुल, 150 सीटों से ज़्यादा सीटें आएंगी और हमारी सरकार बनेगी। बिल्कुल, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि राजेंद्र शुक्ल जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी विभाग मिलेगा उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से वो काम करेंगे, भले ही समय कम मिला है लेकिन इस कम समय में भी बेहतरीन, जो विंध्य क्षेत्र हो या फिर मध्य प्रदेश में जो भी विभाग उन्हें सौंपा जाएगा, लोगों के कल्याण के लिए वो काम करेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश की, जैसा कि उन्होंने कहा है कि एक बार फिर बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार यहां पर जीत कर आएगी और केंद्र और बीजेपी की जो मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना है उनका फायदा यहाँ पर जरूर मिलेगा। कैमरामैन वीरेन्द्र नागर के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।